दालों में उपभोक्ता ग्राहक की अच्छी निकलती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच मिलों को कच्चे माल ऊंचे दामों पर सुगमता से न मिलने के कारण मिलों ने दालों के दाम बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। मंगलवार को तुअर दाल में 100 रुपए की तेजी दर्ज की गई, तो वहीं मूंग दाल भी 100 रुपए बढ़कर कारोबार करती दिखाई दी, जबकि मूंग मोगर में भी 100 रुपए की तेजी आई और उड़द दाल में भी 100 और उड़द मोगर में भी 100 रुपए की तेजी बाजारों में देखने को मिली। दरअसल कर्नाटक में तुअर की फसल कमजोर बताई गई है, जिसके चलते स्टॉकिस्टों की सक्रियता बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि मंडी में तुअर की आवक पिछले दिनों की तुलना में काफी घट गई है, जिससे तेजी को सपोर्ट मिल रहा है। आपको बता दें कि तुअर महाराष्ट्र सफेद 7,300 से 7,500 तो कर्नाटक तुअर 7,400 से 7,600 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच चुकी है, जबकि निमाड़ी तुअर 6,000 से 7,100 रुपए प्रति क्विंटल पर कारोबार करती दिखाई दी है। वहीं तुअर दाल 8,600 से 8,700 तो मीडियम 9,400 से 9,500 तो वहीं बेस्ट क्वालिटी की दाल 9,900 से लेकर 10,100 के आसपास कारोबार करती दिखाई दे रही है। वहीं व्हाइट रोज तुअर दाल 11,600 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।